हेलो गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसे युवक का मामला लेके आए हैं जो कि 7वीं पास है, पर उनकी एक ऐसी पहल है जो कि हम लोग हर बार सुनते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये वो सब चीजें हम लोग काफी बार सुनते हैं। उस दौरान इन्होंने 5 साल की बच्चियों का जन्मदिन मनाने के लिए फ्री में केक देने का फैसला किया है, और ये एक्चुअली में ये काम जो है काफी सालों से करते आए हैं। हर साल इनकी बेकरी से 7,000 किलो केक बांटा जाता है। ये पहली पहल है जो इन्होंने की है एक अलग तरीके से। तो चलिए आपको बताती हैं पूरी अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं संजय की। संजय जो है वो सूरत में रहते हैं, और संजय ने पहले काफी ज्यादा मेहनत की। पहले एक्चुअली में संजय एक छोटे से गाँव में रहा करते थे। उनके घर में इतनी ज्यादा अच्छी हालत नहीं थी कि वो पढ़ाई आगे कर पाते। वो 7वीं पास थे और उसके बाद वो सूरत आ गए। सूरत में आने के बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पर काम किया, एम्ब्रॉयडरी का काम किया, फिर उन्होंने डायमंड जहां पर घिसाई होती है वहां पर उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ काम करते करते आगे बढ़ते आए। फिर उन्होंने सोचा कि उनको कोई बेकरी ओपन करनी चाहिए, तो उन्होंने अपने जो पैसे जमा किए थे तो उन्होंने एक बेकरी ओपन की। बेकरी ओपन करने के बाद उन्होंने एक अभियान चलते हुए देखा जहां पर नारा लग रहा था बेटी बचाओ, और उन्होंने उस अभियान में शामिल होने का सोच लिया कि मैं भी इस अभियान में मैं शामिल होऊंगा और बेटी बचाओ का नारा मैं भी जरूर लगाऊंगा। उस दिन से आज तक 12 साल लगातार हो चुके हैं जब से उन्होंने बेकरी ओपन की। वो हर साल हर दिन एक्चुअली में 5 साल तक की जो बच्चियां होती हैं उनके घर तक केक पहुंचाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल से वो एक्चुअली में बच्चियां जहां पर पैदा हुई हैं उनके घर के एड्रेस वो ले लेते हैं, और 5 साल तक लगातार जब भी उनका जन्मदिन होता है वहां पर वो केक पहुंचाते हैं। किसी ने पूछा कि ये केक पहुंचाने का क्या मकसद है, इससे क्या होगा, तो वहां पर जो संजय है वो ये बात बोलते हैं कि जब बच्चियां केक कट करती हैं उनके जब मुंह पे मुस्कान आती है बस मेरे लिए वो ही काफी होती है। सब लोग बोलते हैं बेटियां बचाओ, हमारा भारत आगे बढ़ाना चाहिए। मैं यही बात बोलता हूँ कि हर एक इंसान को किसी और के इंसान की या आने की वेट नहीं करनी चाहिए, ये अभियान में खुद ही खड़े होकर खुद ही चलना चाहिए। और उस दौरान हम आप लोगों को ये चीज बताएं कि इनकी इस वक्त 14 बेकरियां हैं। 14 बेकरियों में से ये 12 साल हो गए ये काम करते हुए। और आपको ये भी सब चीजें बताएं कि इनका सालाना खर्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो केक बांटे का है वो एक्चुअली में 7,000 किलो केक जाता है और 7 लाख का खर्चा इनको आता है। उस दौरान ही यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी चीज बता दूं कि ये 100 रुपए का केक 250 ग्राम का केक फ्री में देते हैं और बच्चियों के फेस पे खुशी लेके आते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही एक अलग इन्होंने किस्सा एक अपनाया है। बच्चों के लिए बर्थडे बर्थडे मनाना, बर्थडे केक कट करना काफी ज्यादा खुशी देता है, और अगर ये खुशी बच्चों को दी जा रही है तो इनको हमारे चैनल से हम सैल्यूट करते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।